पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता मालिक, एक बॉलीवुड मूवी का ही डायलॉग है, मेरे ख्याल से राजपाल यादव ने कहा था अक्षय कुमार का, और ये बात बिल्कुल हकीकत साबित कर दी मुकेश अंबानी ने एक बार और। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था, स्पेशली 90 किड्स और 90s किड वो वाले जो बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, कि भाई शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान ये तीनों एक फ्रेम में कभी नजर आएंगे? कभी नहीं ना, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन मुकेश अंबानी ने सिर्फ ये सच किया, साबित किया, और सिर्फ फ्रेम में नजर नहीं आए, वो नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे और एक दूसरे के सिग्नेचर पोजेस भी कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले एक इवेंट था उसमें तो लोग खाना सर्व करते हुए भी नजर आए। ये सिर्फ मुकेश अंबानी भाई कर सकते हैं भाई, पावर ऑफ मनी। सच बात है यार, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बहुत टाइम पहले शाहरुख खान से हालांकि ये एक सहाफी ने सवाल पूछा था कि भाई आप लोग कभी एक साथ नजर आएंगे, तो शाहरुख खान भाई ने कुछ इस तरह आंसर किया था। दूसरा सवाल ये है कि क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं, तो कैसी फिल्म? आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। अच्छा उसी वक्त मुकेश अंबानी ने कहा होगा होल्ड माई गंगा जल, ये लो भाई आपने मांगा हमने दिया, तीनों एक साथ नाचते हुए वो भी। चलो ये तो रही खान्स की बात, वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, मुकेश अंबानी भी इंडिया का, लेकिन आप यकीन माने ये मार्क जकरबर्ग भाई, इनको मैंने आज तक जो है ना आज तक ब्लैक टी शर्ट के अलावा नहीं देखा था। मतलब उसने उसे एम्ब्रॉयडरी कोट, अपने जो है कस्टमाइज जो जेठालाल एक प्रिंटेड शर्ट होती है ट्रेडमार्क वो, और पता नहीं क्या क्या पहना दिया भाई। बिल गेट्स, मतलब बिल गेट्स चाय पी रहा है, वो भी एक छपरी टिकटॉकर है, कोई रील से हिट हुआ है उसके ढाबे पे, सीरियसली मतलब सिर्फ एक चाय को प्रमोट करने के लिए। रेहाना जिन्होंने अभी कुछ साल पहले इंटरव्यू में कहा था कि मैं इंडिया को जानती भी नहीं हूँ, एक थर्ड वर्ल्ड गरीब कंट्री है, पुअर कंट्री है, मुकेश अंबानी ने उसे पैसे दे के और पूरी आवाम के सामने लाइव कॉन्सर्ट करा दी, लाइव परफॉर्मेंस करा दी, मतलब सीरियसली यार क्या बंदा है ये मुकेश अंबानी। यार मुकेश अंबानी से लेकिन अब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक टीम खरीद के फुटबॉल की और मैसी और रोनाल्डो को भी साथ एक खिला दो, ताकि हम सबकी जो बचपन की ख्वाहिश पूरी हो जाए कि मैसी और रोनाल्डो को हम एक टीम में एक साथ खेलता हुआ देख सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, ये तो सिर्फ प्री वेडिंग सीजन था, प्री वेडिंग सीजन जो हमारे यहाँ होते हैं ना कि ढोलकी संगीत है भाई आ जाओ ये है वो, ये सिर्फ वो था। मतलब इसी में जो अब तक की रिपोर्ट है, अब मुझे नहीं पता कितनी कन्फर्म है कि 50 करोड़ USD स्पेंड हो चुके हैं, और मतलब अब जुलाई में जो असल वेडिंग है उसमें तो मुझे लगता है ये एलियन बुला लेंगे मुकेश अंबानी भाई। पर सीरियसली यार पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कहते भाई हरकत में बरकत है, चाहे कुछ भी करें लीगली और हलाल वे में, लेकिन पैसा कमाएं, पैसा कमाएंगे तो आप सब कुछ ही हासिल कर सकते हैं दुनिया में। मतलब उसकी शादी में उससे ज़्यादा अमीर लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, और इंडिया के ही जो टॉप 10 लिस्ट में आते हैं उनके भी 2-3 बड़े नाम होते हैं। तब सीरियसली यार पूरा बॉलीवुड मुझे कभी एक अवार्ड शो और एक कोई इंडिया के अपने इवेंट में नजर नहीं आया, लेकिन मुकेश अंबानी की वेडिंग में आप कोई भी नाम लें, कोई भी नाम लें आप सीरियसली सिर्फ आप इमेजिन करें और आप रील खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, फेसबुक खोलें, आपको उसकी वीडियो क्लिप नजर आ जाएगी। लेकिन हाँ सिर्फ एक बंदा ऐसा है, वो भी इंडिया से बिलोंग करता है, बहुत बड़ा नाम है, जो मैंने सुना है कि आज तक अंबानी के किसी इवेंट में नजर नहीं आया। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई का स्वैग और एटीट्यूड है, और वो है किंग कोहली, विराट कोहली। अब उसके जो भी पर्सनल रीजन हो, लेकिन उसके जो फैंस हैं वो फ्लैक्स करते नजर आते हैं कि भाई किंग कोहली को कोई पैसे की पावर नहीं खरीद सकती और उसके इशारे पे नहीं नचा सकती। अब मुझे तो नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा हुआ है, मैं कल अपने दोस्तों से भी डिस्कस कर रहा था कि मुझे सिर्फ कोई स्क्रीनशॉट दिखा दो जहां वो किसी मुकेश अंबानी के पर्सनल इवेंट में नजर आया हो, मेरी तो नज़र से कुछ नहीं गुजरा। अगर आप लोगों की नज़र में आया तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें वीडियो का लिंक या पिक्चर का जो भी स्क्रीनशॉट हो। एक हम आप लोग हैं यार, जो अपनी शादी में अपनी सगी पप्पो, खाला, मामू, चाचा को बुलाने सही से नहीं बुला सकते, क्योंकि कभी कोई नाराज़ हो जाता है, कभी कोई नाराज़ हो जाता है, और एक ही मुकेश अंबानी भाई हैं, पूरा बॉलीवुड बुला लिया, रिहाना को बुला लिया, बिल गेट्स को बुला लिया, मार्क जकरबर्ग को बुला लिया, मतलब सीरियसली PSL छोड़ के कैरन पोलार्ड भाई शादी अटेंड करने चले गए,
जिसकी वजह से कराची किंग मैच भी हार गई। खैर उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, अगर फाइनल भी होता ना, फाइनल भी होता, कराची किंग फाइनल में भी क्वालिफाई कर चुकी होती तो पोलार्ड को अगर जाना होता वो छोड़ के चले जाते। ये सिर्फ भाई ये PSL है जिसमें हम पूरी अवेलेबिलिटी नहीं देखते और प्लेयर को ले लेते हैं, चल यार आ रहे तो आने दो। बट IPL में एक बंदा कोचिंग कर रहा है, बट PSL में हम उन्हें एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं। ये तो हमारी लीग का स्टैंडर्ड हो गया है और हम कहते हैं कि भाई वन ऑफ द बेस्ट लीग। यार आप फुल अवेलेबिलिटी देखो, बंदे की विंडो देखो, जो है उसी को आप लो ना, आप एक स्टैंडर्ड सेट करो। लेकिन नहीं, दो मैच तीन मैच बस एक ब्रांड की, एक PSL की क्रेडिबिलिटी के लिए कि यार ये नाम हमारे साथ खेला। लेकिन चले गया वो फ्लाई करके और उनकी खुद पिक्चर आ रही है किंग खान के साथ और दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ। ये है आपकी PSL की औकात, हकीकत, रियलिटी, मतलब कि चौके कोई औकात नहीं है। इसलिए कहते हैं भाई कुछ भी करो, हरकत में बरकत है, पैसा कमाओ, नाम बड़ा करो, ज्यादा पैसा कमाओ, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर लाइफस्टाइल चूज करो, उन्हें कंफर्ट दो जितना आप दे सकते हो, स्पेशली अपने पेरेंट्स को, और ज्यादा कमा लो तो क्या बात है, क्योंकि पैसे से भाई इतना कुछ हो सकता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।